just goes on. But chale, ruk karte game ki aur dekhte ki pehle map mein yahan pe kya hota. Ladies and gentlemen, game number one coming up your way. And yeah, Free Fire India Championship ki grand finals hai. To kya kahenge? Bermuda is going to be the first map. And FFIC यार ग्रैंड फाइनल के प्लेयर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. हम तो स्टूडियो में बैठे बैठे प्लेन पाथ की अगर हम बात करें, डिफॉल्ट प्लेन पाथ है यहाँ पे ईविल पाजी, बट द एक्साइटमेंट इज थ्रू द रूफ. जी बिल्कुल, जो एक्साइटमेंट है वो बिल्कुल यहाँ पर छत पहाड़ के निकल रही है. और फिलहाल के लिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी टीम की ओर से ब्लू जोन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है, बहुत प्यारी लूट उनको मिल सकती है. एंड बखूबी देखते हैं कि काफी अच्छा प्रदर्शन उनकी तरफ से देखने को मिल सकता है अगर अच्छी खासी लूट होगी. वहीं उनके जस्ट बगल में शिपयार्ड पे एज यूजुअल फोर अननोन गई है. नॉर्मली हर एक टीम उसी एंगल पे उतरती हुई दिखाई दे रही है जहां पर लाइक लीग मैचेस में हम लोगों को देखने को मिला था. कोई भी कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि उनको पता है कि लास्ट मोमेंट पे चेंजेस करना उनके लिए काफी बड़ा डिसीजन हो सकता है और वो डिसीजन इनके लिए इतना अच्छा साबित नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग बखूबी जानते हैं ये सिर्फ और सिर्फ 6 गेम उनको यहाँ पर लाइक या तो चैंपियन बना सकते हैं या फिर उनको फिर से इंतजार करना पड़ेगा ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने या फिर 6 महीने का ये चैंपियनशिप का जो टैग है उसके लिए यहाँ पर और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. लेकिन अगेन यहाँ पर पीक पे हमारी जरिए बास तो काफी ज्यादा एक अलग एंगल पे है. उसी के साथ साथ टीम क्योस की बात अगर हम करें तो यहाँ पर हमारी जो देसी गेमर्स है उनके साथ मे बी अर्ली फाइट यहाँ पर हो सकती है. देसी गेमर्स की कहीं ना कहीं लोकेशन यहाँ पर थोड़ी हम लोग कह सकते हैं कि दाएं बाएं जरूर हो गए, क्योंकि नॉर्मली इस एंगल पे नहीं उतरते हैं. इवन तो टीएसएम की अगर मैं बात करूं तो मामा जी वो लोग मास इलेक्ट्रिक एंड यहां पर फैक्ट्री पे उतरना पसंद करते हैं, बट आई डोंट नो पोचिनो की तरफ क्यों गए आज. Maybe it's a curveball that I was talking about. क्योंकि देखिए यहाँ पे जब फाइनल्स होती है तो हर एक टीम अपना होमवर्क करके आती है एंड समटाइम्स यू स्टार्ट थिंकिंग इन लेयर्स कि देखिए मेरी ये स्ट्रैटी सामने वाली टीम ये काउंटर कर सकती है जो आपको पोटेंशियली टारगेट करती है. यूजुअली यहाँ पे तो 12 टीम्स होती है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट आपको कौन सी टीम टारगेट कर सकती है. बट अनलेस देयर इज अ वेरी लॉन्ग गोइंग राइवलरी जो हमें बीच में देखने मिली थी जी एक सारे टोटल गेम के बीच में. आई स्टिल रिमेंबर आई बिलीव वाज प्रो लीग का जो शुरुआत का समय था, टारगेट कर रही थी फर्स्ट हफ्ते के अंदर ही. तो यहाँ पे शायद वो चीज की वजह से लेयर्स के अंदर टीम सोचती है स्ट्रैट उसका काउंटर. तो मे बी दैट इज द रीजन व्हाई दे चोज अ डिफरेंट ड्रॉप. लेकिन बात करें टीएसएम के बारे में, दे आर फाइनली रोटेटिंग. उन्होंने जितना लूट करना था कर लिया. ओल्ड मॉन्क इज लीडिंग द चार्ज और ये प्लेयर इनके पास कितना ज्यादा फायर पावर है मुझे बताने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी. जी बिल्कुल, बखूबी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर जानते हैं कि ओल्ड मॉन्क कहीं ना कहीं अपनी टीम को बहुत ज्यादा लाइक 4 चांद यहाँ पे लगाते हैं. इवन दो सिर्फ ओल्ड मॉन्क नहीं, यहाँ पे पैप की बात कर लो, जैक की बात कर लो या फिर उनके साथ जो एज अ स्नाइपर वर्क करते हैं उनकी बात कर लो, मतलब पूरी की पूरी टीम यहाँ पर 4 चांद लगा देती है. एंड यस टोटल गेमिंग आज बहुत ज्यादा निगाहें इनके ऊपर बनी रहेंगी, क्योंकि हम बखूबी जानते हैं लाइक जैसे कि हम इलीट के लिए बोलते हैं कि इतिहास गवाह है, इनके लिए भी इतिहास गवाह है कि नो डाउट लीग मैचेस भले ही कैसे भी जाए लेकिन फाइनल्स में जो स्टैंडिंग जो इनकी स्ट्रैटेजीज होती है बेसिकली जो फौजी जी की तरफ से होती है वो माइंड ब्लोइंग होती है. कोई टीम यहाँ पर पढ़ नहीं पाती है लेकिन वो 6 गेम्स में यहाँ पर फौजी जी पूरा गेम पलट के रख देते हैं. एंड यस वो 6 गेम्स में वो चैंपियन बन जाते हैं. हम लोग पिछले लाइक हम लोगों ने देखा था प्रो लीग में कि क्या सिचुएशन थी, लेकिन यस यहाँ पर वन सेकेंड क्या पता ये लाइक हिस्ट्री रिपीट होगी या फिर नहीं होगी. लेकिन टीम इलिट के ऊपर भी निगाहें काफी ज्यादा यहाँ पर रहने वाली हैं, क्योंकि यार फैन प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा यहाँ पर टीम इलिट के साथ थी. यहाँ पर हमारे फैंस भी देखना चाहते हैं कि टीम इलिट यहाँ पर ये ट्रॉफी लेकर जाए, क्योंकि हमने देखा है चाहे लीग मैचेस हो चाहे कैसे भी मैचेस हो हमेशा टीम इलिट टॉप नॉच गेम प्ले दिखाते हैं, लेकिन जब फाइनल्स आते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टीम के लाइक शेयर की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है. तो आई होप आज वो सिचुएशन ना क्रिएट हो, लेकिन गैलेक्सी रेसर्स बॉस सबसे ज्यादा निगाहें इनके ऊपर रहेंगी एज अ कास्ट अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है वासी अपनी टीम को कितनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं. स्पेशली आज बहुत ज्यादा प्रेशर यहां पर रहने वाला है, क्योंकि 2 FFIC ऑलरेडी विजेता लाइक ये जीत चुके हैं और अब ये एक और FFIC जीतने का पूरा पूरा चांस इनके पास है, क्योंकि हमने देखा था लीग में टॉप टेबल पे इन्होंने फिनिश करा था. जी हां बिल्कुल सही कहा, बट देखिए लीग स्टेज अलग होता है, फाइनल्स अलग होती है, देयर इज अ बिट ऑफ अ गैप एज वेल, आपके पास बहुत ज्यादा समय होता है प्रिपेयर करने का. लेकिन जोन को देखिए, दिस इज वेरी वेरी एक्सट्रीम. ऑरा गेमिंग की जो टीम है यहाँ पे ये प्रिसीन पोजीशन में 1/3 ऑफ द जोन, मोर देन 1/3 एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पानी के अंदर है. तो क्या कहेंगे आप इस जोन के बारे में, बिकॉज पहली गेम में इतना ज्यादा एक्सट्रीम जोन बना. हेड हंटर्स की बात कर लीजिए, टीम इलीट की बात कर लीजिए, कितना लंबा रोटेशन काटना होगा. टोटल गेमिंग एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो भी जोन के बाहर है बहुत ज्यादा. तो भिडन जरूर देखने मिलने वाली है. आप देखिए टीम इलीट GXR टोटल गेमिंग ऊपर से 4 अननोन भी जा रहे हैं. 4 अननोन की भिड़ंत ना हो लेकिन टीम क्योस उड़ के सीधा अंदर आएंगी. बट आई बिलीव यहाँ पे 3-way fight पोटेंशियली देखने मिल सकती है, बट देन अगेन पहला जोन है तो आपको शायद फाइट देखने ना मिले. बट इन द मीन टाइम लेट्स सी टीम एलीट एंड टीम क्योस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें विवेक की वो अपने टीम के साथ रोटेट करेंगे. एंड इन द मीन टाइम देखिए ओरा जी कहते हैं शकुनी मामा, मुझे नहीं पता वो कैसे नाम लेके आए बट यू भी आ चुके हैं यहाँ पे. ग्लूवर्स लग रही है, लेट्स सी इफ वी गोइंग टू सी अ फाइट बिटवीन टीम क्योस एंड ब्लाइंड.
जी बिल्कुल, यहाँ पर टीम केओएस एंड ब्लाइंड के बीच में यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो चुकी है। दोनों ही टीम ने एक दूसरे को स्पॉट जरूर लिया, बट ये देखिए यहाँ पर ब्लाइंड बिल्कुल भी फाइट नहीं ले रही है। हमने बखूबी देखा है लीग मैचेस में ब्लाइंड का जो फोकस होता है वो होता है पहले जोन, उनको जोन पकड़ना है, उसके बाद कहीं ना कहीं वो फाइट लेने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन होता है, जिसकी वजह से उनके पास बुया भी आता है, किल्स भी आते हैं। एंड यस, आप अगर लास्ट जोन के अंदर पहले चले जाते हैं तो काफी सारे चांसेस आपके बन जाते हैं कि आप काफी सारे टीम्स के लिए गेट कीप कर लेते हैं, आपको आसानी हो जाती है कि आप दूसरी टीम्स को इजी पीजी करके यहाँ पर थर्ड पार्टी कर लो। एंड यस, यहाँ पर बखूबी देखने को भी मिलता है, तो देखते हैं ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स वो स्पॉट ग्रैब कर पाएगी या फिर नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पीवीएस की बात करें, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस देखने को मिला था मामा जी जब हमारा प्लेन्स हुआ था, और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर फिलहाल पीवीएस LR7 के साथ फाइट लेती हुई दिखाई दे रही है। एंड दूसरे एंगल में ब्लाइंड भी उनके जस्ट क्लोज में आ चुकी है। मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं टीम पहले ही एक्सपेक्ट कर चुकी है कि जो जोन है वो क्लॉक टावर के नजदीक आने वाला है, इस वजह से कहीं ना कहीं काफी सारी टीम्स यहाँ पर इस एरिया में आते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन जैसा कि आपने बोला, शकुनी मामा यहाँ पर टीम नंबर 3 एंड टीम नंबर 2 को ऑलरेडी रिवील कर दिया, जिसमें टोटल गेमिंग वाज इस गैलेक्सी रेसर्स। लेट्स सी यहाँ पर क्या यहाँ पे 4v4 हम लोगों को देखने को मिलेगा या फिर नहीं। माफिया के पास यहाँ पर ओम दिखाई दे रही है, बहुत ही प्यारी ओम चला सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिलीट के ऊपर सबसे ज्यादा निगाह रहने वाले कि आज अपनी टीम को कितना ज्यादा सपोर्ट दे पाएंगे। लेकिन जी हाँ, दोनों ही टीम एक दूसरे के सामने, एंड जी हाँ, यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन देखिए, वही राइवलरी की मैं बात कर रहा था, दोनों FFIC चैंपियंस, the only two teams which have won the FFIC, यहाँ पे एक दूसरे के साथ लड़ने के कगार पर है। UAV ऊपर आ चुका है, ड्रॉप्स भी आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन कौन सबसे पहले गोली चलाएगा, who is going to be the initiator, GXR की तरफ से प्लेयर होने वाले, but in the meantime अभी ने विवेक को नॉक कर दिया, तो एक और फाइट तो हो ही रहे। Aura Gaming versus, I believe it was team KOS, जी हाँ, अभी ने विवेक को फिनिश भी कर दिया। यहाँ पे काफी अच्छी शुरुआत एंड किल लीडर्स भी बनेंगे, लेकिन जो ओपनिंग फ्रैग आया वो कहीं और से आया। जी बिल्कुल, हमने एक्सपेक्ट कहीं और से किया था, लेकिन फाइट कहीं और पे देखने को मिली है। लेकिन और स्पोर्ट्स को यहाँ पर कहीं ना कहीं फेवर जरूर हुआ है। यहाँ पर जॉन सिन्हा ने ग्रेनेड थ्रू जरूर करा, बट आई थिंक वो इतना ज्यादा वर्थ नहीं होगा। लेकिन जो यहाँ पर शॉट कनेक्ट होगा यहाँ पर हमारी गर्ल्स से, वो पको भी यहाँ पर उनको किल लेकर जाएगा। इसी के साथ अटैक की रिटर्न फायर देंगे, जी हाँ, सीधा हेडशॉट कनेक्ट करेंगे जॉन सिन्हा के लिए। एंड जॉन सिन्हा फिलहाल यहाँ पर डाउन हो चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ टेक के हमारे दिखाई दे रहे हैं आगे की तरफ। कैरी ऑलरेडी पीछे की तरफ मूव दिखा ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, लेकिन क्या उनको यहाँ पर पीछे की तरफ निकलने दिया जाएगा, क्योंकि इनसे इन बैक टू बैक उनको यहाँ पे डैमेजेस दे रहे हैं। टीम के और ऑलरेडी दो प्लेयर्स को लूज कर चुकी है विवेक एंड उनके साथ साथ उनका स्नाइपर अनुसी। आप देखने वाली बात है कि क्या यहाँ पर मौका दिया जाएगा और स्पोर्ट्स के द्वारा। नुक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। मदार आगे की तरफ जाएंगे, टैकी को यहाँ पर डाउन करेंगे, किल कन्फर्म करेंगे, और सिर्फ यहाँ पर स्कैरी बचे हैं। स्कैरी हम लोगों ने हमेशा देखा है अपनी टीम के लिए प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करते हैं, एंड वंस अगेन यहाँ पर उनके पास मौका है, क्या वो उनको निकाल पाएंगे प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं, क्योंकि सामने की तरफ चार प्लेयर हैं और चारों प्लेयर आई थिंक वो बिल्कुल भी लीव नहीं करना चाहेंगे। ग्रेनेड थ्रो बहुत अच्छा डिसीजन था, बट क्रोनो की शील्ड ने कहीं ना कहीं वो यहाँ पर गेम चेंज कर दिया उनके लिए। लेकिन एक और ग्रेनेड थ्रो कर रहा है, इनसे यहाँ पर जरूर डाउन हो जाएंगे। लेकिन वहीं स्कैरी के पास ना तो ब्लू वाला है ना उनके पास प्रॉपर कवर है, लेकिन क्या वो यहाँ से बचने में सक्षम होंगे या फिर नहीं। नोप, यहाँ पर नहीं होने वाले, क्योंकि जॉन सिन्हा सीधा सीधा हेडशॉट कनेक्ट करेंगे। एंड टीम केओएस आज के दिन पहले मैच में पहली बार मतलब 12वीं पोजीशन पे लॉबी के लिए रवाना होगी। These are the runner-ups. Let's not forget, last time, second position पे आते थे। In the meantime, एक और fight हो रही है यहाँ पे। Divine के ऊपर गोलियाँ चली थी जरूर, लेकिन glue wall लगा दी गई है, जिसे तोड़ने की कोशिश करेंगे शिव, लेकिन क्या तोड़ पाएंगे ये सबसे बड़ा सवाल होना। In the meantime, it is going to be a three-way fight. Blind भी आ चुकी है यहाँ पे, and बहुत मुश्किल होने वाला है सारी की सारी टीमों के लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है ये। But LR7 as well is present, so not just a three-way fight, evil. चार टीमें आ चुकी है क्लॉक टावर के ऊपर। जी बिल्कुल, यहाँ पर क्लॉक टावर बन चुका है रणभूमि, एंड देखने वाली बात है कि यहाँ पर रणभूमि में कितना खून बहने वाला है, कौन कौन सी टीम्स यहीं से अलविदा लेने वाले लॉबी के लिए, क्या यहाँ पर टीम सभी स्टे करेंगे। क्योंकि देखिए, पहला मैच है, नो डाउट हम बखूबी जानते हैं कि पहले मैच में टीम इतना ज्यादा लाइक पैसिव गेम प्ले दिखाना नहीं पसंद करते, वो कोशिश करते कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ ही रखे, ज्यादा ज्यादा अपनी टीम के लिए या फिर मैन एडवांटेज यहाँ पर रखे, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर मैन एडवांटेज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और स्टार्टिंग में अगर आपको पुश मिल जाता है तो दूसरी टीम्स के ऊपर प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दूसरी टीम तो गलतियां करती है या फिर वो होता है कि यार नहीं, अब हमारे थोड़ा सा हम पीछे आ चुके हैं, हमें जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एक छोटी गलती भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ जाती है। लेकिन अगर पहले मैच में एक गैप बना लेते हो तो आपको एंड तक हेल्प हो जाती है, बस आपको लास्ट तक प्लेसमेंट निकालनी है, अदरवाइज आपको यहां पर रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात करें, टीम केओएस भी यहां पर सक्षम हो चुकी है क्लॉक टावर के अंदर आने के लिए। आते ही यहां पर किलर को डाउन जरूर किया गया था, लेकिन बहुत ही प्यारा यहां पर ग्लू वॉल से यू लाइक उनके लिए कवर बनाया, एंड यस यहां पर उनको रिवाइव भी दे दिया गया। लेकिन उसी तरफ अगर हम देखें, गैलेक्सी रिसर्च से यहां पर सोम को डाउन कर दिया गया माफिया बाला की तरफ से, एंड जी हां, इवन तो किल भी कंफर्म कर दी गई है, यानी कि गैलेक्सी रिसर्च को पहला फटका यहां पर मिल चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, पहला फटका मिला जरूर है, कोई छोटा मोटा फटका नहीं। सोहम को हमने देखा कितना ज्यादा फ्लैग आउट करते हैं, एंड नटखट प्लेयर है बहुत ज्यादा, हमने इंटरव्यू भी किया था GXR को, एंड वी नो दैट सबसे ज्यादा लेजी भी वही है, लेकिन सबसे ज्यादा फ्लैग आउट भी वही करते हैं टीम के अंदर, एंड दिग्गजों से भरी पड़ी टीम है। सो सोहम बीइंग नॉक्ड आउट, ऑब्वियसली
इज अ बिट ऑफ अ हिट, लेकिन मुझे नहीं लगता इनसे इस चीज से कम जीएक्सआर को कोई फर्क पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज्यादा अनुभव है उनके पास, उनको पता है ये सारी सिचुएशंस को हैंडल कैसे करना है। लेकिन इतनी ज्यादा टीम्स एक दूसरे के नजदीक आ चुके, 10 मिनट हो चुके, स्टिल हैव 11 टीम्स एंड 43 प्लेयर्स लाइव। जो आखिरी फाइट होगी ये विल बहुत ज्यादा हॉच पॉच होने वाले, बहुत ज्यादा इंटेंस फाइट्स होंगी। बट इन द मीन वाज दैट अ ग्रेनेड बीइंग थ्रोन आउट, आई थिंक सो, यहाँ पर ग्रेनेड जरूर थ्रो किया गया था। लेकिन इसी के साथ अगर आप देखेंगे मामा जी, 10.5 मिनट यहाँ पर हो चुके, 11 टीम यहाँ पर है, 43 प्लेयर्स हम लोगों को दिखाई जरूर दे रहे हैं। एंड यस, यहाँ पर प्लेयर कैम भी हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें इंसेन दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टीम मिलिट के मेंबर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे लाइक ओवरऑल प्रेशर जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको पता है इनके पास काफी सारे लाइक टीम्स हैं, एंड अगर यहाँ पर एक भी गलती कर दी तो हमारी टीम को यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक प्लेयर डाउन होता है तो उस प्रेशर में कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आप अपने टीममेट को रिवाइव देने की कोशिश करते हैं, उसी एंगल में दूसरे प्लेयर को मौका मिल जाता है। एंड यस, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो धीरे धीरे करके हमारे टीएसएम के मेंबर्स, लाइक अगर आप देखेंगे जय वहाँ पर डाउन हो चुके हैं, क्या जय को वहाँ पर रिवाइव दिया जाएगा या फिर नहीं, ये बखूबी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन एक पर कवर में है वो, तो आई थिंक उनको यहाँ पर रिवाइव जल्दी ही दे दिया जाएगा। लेकिन टीम मिलिट लाइक नीचे की तरफ हम लोग कह सकते हैं कि जो एक तरीके से पूरा कवर बनाया जा रहा है अपने लिए, ग्लूवल यहाँ पर बनाई जा रही है, और इतनी टीम्स के बीच में अगर आप अपने प्लेयर्स को बचाकर बैठे हैं, चार चार प्लेयर्स अगर यहाँ पर बैठे हैं, आई एम श्योर यहाँ पर बिल्कुल भी कोशिश नहीं की जाती है। एंड यस, यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिलहाल के लिए पीवीएस यहाँ पर जो मेन हाउस है क्लॉक टावर का मामा जी, वहां पर कब्जा करके बैठी है। हर एक एंगल में यहाँ पर उनके पास हम कह सकते हैं कि खिड़की है, जहां पर वो आराम से किसी भी टीम मेंबर को स्पॉट करके डैमेजेस देने की कोशिश कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पर अगर आप देखेंगे शिव ने यहाँ पर स्पॉट जरूर कर लिया ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स को, एंड उनके मेंबर को डैमेजेस भी दिए गए, बट इतना नहीं कि यहाँ पर लाइक प्लेयर डाउन होगा, किल कन्फर्म होगी। लेकिन जी हाँ, एक इतना डैमेज जरूर दे दे कि सामने वाले प्लेयर सतर्क हो जाए। लेकिन वही दूसरी तरफ माफिया वाला आज रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं लेने वाले। लेकिन यहाँ पे एलेक्स की बात करें, उन्होंने डिलीट को डिलीट कर दिया है, एंड आजू बाजू में शिव कोशिश करे कि एक छोटा सा मौका मिल जाए गोली चलाने का, शायद शॉट कनेक्ट कर पाए, अगर हेड शॉट लगा तो सीधा सीधा नॉक कर पाएंगे प्लेयर को। लेकिन 12.5 मिनटों के बाद देखिए, मैंने कहा था कि पहली गेम बहुत ज्यादा स्लो होने वाली, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टीमें आप देख सकते हैं यूएवी के अंदर है, तो किस तरीके से लड़ेंगे आप ही बताइए। यार फिलहाल लड़ने की तो बात छोड़ो, यहाँ पर अभी शकुनी मामा आए थे मामा जी, और उन्होंने यहाँ पर हर एक मेंबर की लाइक लोकेशन यहाँ पर दे दी, और एलेक्स ने देखिए वहां पर माफिया बाला एंड डिलीट दोनों को यहाँ पर डाउन करा था, एनी बंधु उनको यहाँ पर किल भी मिल चुकी है। तो देसी गेमर के एलेक्स ने बहुत बड़ा फटका दिया है डिलीट एंड माफिया बाला, हम को भी जानते हैं बहुत प्यारा प्रदर्शन उनकी तरफ से रहता है। एंड यस, टोटल गेमिंग से अब यहाँ पर फौज ये जे एंड माफिया यहाँ पर बचे हैं, तो अब देखते हैं यहाँ पर दो प्लेयर्स क्या कुछ कर पाएंगे, क्या प्लेसमेंट निकल पाएगी उनसे या फिर नहीं। लेकिन मैं दूसरे एंगल में शिव बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, आई थिंक एआर उन्होंने भर के यहाँ पर रखी हुई अपने पास, जैसे यहाँ पर प्लेयर आता है हल्का सा डैमेज दे रहे हैं, बट डैमेज यहाँ पर काउंट नहीं होता है। हम बखूबी जानते हैं कि डैमेज यहाँ पर काउंट नहीं होता है, यहाँ पर किल पॉइंट्स काउंट होते हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पर प्लेसमेंट काउंट होते हैं। तो यार ये तो कॉमन चीज है, लेकिन अकीन यहाँ पर डैमेजेस देने से वर्क नहीं होगा। बस हाँ, दूसरी टीम को सतर्क जरूर किया जा रहा है कि बॉस अगर आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम जरूर मिल सकती है। लेकिन अगेन यहाँ पर अगर आप देखेंगे 4 अननोन और स्पोर्ट्स, वहीं दूसरी तरफ हेड हंटर्स अभी तक फाइट में नहीं गए हैं, हेड हंटर्स आउट ऑफ जोन जा रहे हैं। वहीं और स्पोर्ट्स ने किल यहाँ पर जरूर निकाली है, इवन तो 4 किले, लेकिन वहीं दूसरे एंगल में अगर हम देखें 4 अननोन के लिए भी गेट कीप की जा रही है, और पीवीएस कहीं ना कहीं यहाँ पर फायदा उठा रही है उसमें। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बट एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, ओरा की जो टीम है यहाँ पे, ओरा गेमिंग जो टीम है वो किस तरीके से रोटेशन काटे, जोन के बाहर है मुझे लगता है वो लंबा रोटेशन काटेंगे, शायद टीएसएम को मैक्सअप कर पाए। बट इन द मीन टाइम जो फाइट चले एलीट एंड 4 अननोन के बीच में, उसके ऊपर गौर फरमाएंगे और देखेंगे कौन सी टीम यहाँ पे ऊपर निकल के आती है। बिकॉज देखिए टीम एलीट हॉट फेवरेट्स है, और ऐसा नहीं कि उन्होंने सर्वाइव नहीं किया, बहुत ज्यादा लंबा समय सर्वाइव कर चुके हैं। लेकिन इन द मीन टाइम 4 अननोन इज कमिंग ऑन टॉप ऑफ ओरा गेमिंग, बिल्कुल यहाँ पर ऑरा गेमिंग के प्लेयर को डाउन एंड कंफर्म कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑरा गेमिंग को अब जोन के अंदर भी जाना, पीछे से पुश उनको जरूर देने वाला है जोन, यही दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे 4 अननोन को भी जोन के अंदर आना है। तो अब देखते हैं यहाँ पर ऑरा एंड दोनों जो टीम है हमारी 4 अननोन वो जोन के अंदर जा पाती है फिर नहीं, क्या पीवीएस उनके लिए गेट कीप कर पाएगी, क्योंकि उसी के जस्ट नीचे हमारी टीम लीड भी बैठी हुई है, तो वो भी कहीं ना कहीं सतर्क हो चुकी है क्योंकि बॉस उनके आसपास कोई टीम आ रही है जिनको रोकने की कोशिश की जा रही है। और थर्ड पार्टीज में यहाँ पर किल उठाने की हर टीम कोशिश करेगी, क्योंकि भैती गंगा में हाथ धोने की कोशिश हर एक प्लेयर यहाँ पर करने की
की कोशिश करते हैं। यस, यहाँ पर अगर आप देखेंगे राधे ठाकुर एज अ ग्रेनेडर बहुत प्यारा वर्क करती हैं, यहाँ पर ग्रेनेड थ्रू भी किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रेनेड यहाँ पे मिस जरूर हो रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ क्लोज रेंज में फाइट हम लोग जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे योगी ने ग्रेनेड थ्रू जरूर कराया, ग्रेनेड का बहुत बड़ा इफेक्ट उनको जरूर हो सकता था, अच्छा खासा डैमेज यहाँ पर दिया गया। जॉन सीना जोन के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, बट अगेन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पीवीएस जो बखूबी मैं कह रहा था कि थर्ड पार्टी कर सकती है, एंड यस यहाँ पर थर्ड पार्टी किया जा रहा है। और स्पोर्ट्स के मेंबर को ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया गया है, एक लौते मेंबर बता रहे यहाँ पर बचे हैं, लेकिन क्या उनको भी रोका जाएगा या फिर नहीं। लेकिन मैं दूसरे एंगल की बात करें, फ्लाइंग स्पोर्ट्स टीम यहाँ पर फाइट ले रही है, आइकॉनिक यहाँ पर डाउन हो चुकी है, लेकिन सामने यहाँ पर डबल वेक्टर के साथ बबलू है जो कि आरटीपी को कंफर्म कर देंगे, एंड वहीं दूसरी तरफ आइकॉनिक को रिवाइव जरूर दे दिया जाएगा, लेकिन 11th पोजीशन पे। और स्पोर्ट्स हमारी लॉबी के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन वहीं पहाड़ी एज अ स्नाइपर ओम इनके हाथ में दिखाई दे रही है, और जी हां बैक टू बैक यहां पर ओम के शॉट्स हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं इनकी तरफ से, लेकिन अपने लिए प्रॉपर कवर भी बनाया जा रहा था कि पीछे से कोई यहां पर आके उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। लेकिन टीम लीड अभी तक एक भी किल उनके पास नहीं है, लेकिन एक प्लेयर उन्होंने यहां पर लूज जरूर कर दिया है। यहाँ बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन यहाँ पे 16 मिनट होने को आई है, लेकिन अभी भी 9 टीम्स और 31 प्लेयर्स बाकी है। और देखिए जो वर्टिकल एलिमेंट की बात करता है, यूजुअली आपको कलहारी में देखने मिलता है, यहाँ पे नीचे टनल के अंदर भी फाइट चल रही है, पहाड़ी कोशिश कर रहे हैं स्नाइपिंग करने की और सीधी सीधी गोलियां चलानी है, जो उनके लिए तो बहुत आसान होने वाला, लेकिन अगर कोई भी उनको पीक करने की कोशिश करेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बात करेंगे 4 अननोन के बारे में, 2 किल्स निकाले, लेकिन देखिए ग्लू वॉल्स कितनी ज्यादा लगाई गई, नेज आ रही है, लेकिन इस दैट गोइंग टू बी इनफ। यहाँ पे राधे ठाकुर ने बबलू को डाउन किया है, लेकिन ओ माय गुडनेस राधे ठाकुर का जो मुंह तोड़ जवाब था काफी ज्यादा शानदार, विजर्डो इज गोइंग टू रिवाइव, लेकिन उनके पास समय नहीं, पीछे जोन भी आ रहा है, उनको अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन ग्लू वॉल्स लगी पड़ी, क्या अंदर जा पाएंगे? ओह माय गॉडनेस, जिनोत्रा का जो लैंड माइन था उसकी वजह से आनंद नॉक हो जाएंगे, ब्लाइंड इज रियली स्ट्रगलिंग, बट उनके पास 5 किल उस जोन के अंदर चले जाएंगे। जी हाँ, 4 अननोन को भी एलिमिनेट कर दिया गया, लेकिन टीम लीड यहाँ पे गेट कीप करने की कोशिश करिए, उनके पास सॉलिड कवर भी है, लेकिन क्या वो उनको गेट कीप कर पाएंगे? ब्लाइंड टोटल गेमिंग इन द मीन टाइम इज गोइंग टू गेट एलिमिनेटेड, और ब्लाइंड अंदर आने की कोशिश करिए, लेकिन बिल्कुल नहीं आ पा रहे। ओह माय गॉडनेस, पहाड़ी का वो शॉट, आसिफ का इन द मीन टाइम नेट भी गया था, लेकिन अभी भी हमारे पास 2 प्लेयर्स बचे हैं टीम एलीट की तरफ से। जी बिल्कुल, यहाँ पर 2 प्लेयर जरूर बचे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर निवेश को भी डाउन कर दिया गया है, क्लॉथी मेंबर अभी यहाँ पर बची हैं, एज अ स्नाइपर अपनी टीम से वर्क करती हैं, तो क्या यहाँ पर टीम एलीट उनको भी रोकने में सक्षम हो पाएगी या फिर नहीं, ये बखूबी भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन निवेश प्रेशर बहुत ज्यादा होने वाला है, ग्लू वॉल्स यहाँ पे लगाई गई है, जोन यहाँ पर कुछ ही पलों में आगे बढ़ने वाला है, सिर्फ 7 सेकंड बचे हैं, एंड वहीं दूसरे एंगल की अगर बात करें, LR7 यहाँ पर हेड हंटर्स के साथ फाइट करी, यानी कि हर एक एरिया में यहाँ पर हम लोगों को फाइट देखने को मिल रही है। लेकिन टीम एलीट को यहाँ पर बखूबी पता है कि पीछे यहाँ पर एक प्लेयर बचा है जो कि आराम से उनको एक किल दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन देखते यहाँ पर TSM के मेंबर ने यहाँ पे पार्टी को डाउन एंड कंफर्म कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे किलर आगे की तरफ जाएंगे, आप एक को भी डाउन करेंगे, एंड अब यहाँ पर जोन में जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन TSM उनके लिए गेट कीप करने के लिए बिल्कुल तैयार है। 4v2 सिचुएशन, लेट्स सी यहाँ पर टीम लीड को रोक पाएंगे या फिर नहीं। 4v2 सिचुएशन में कहीं ना कहीं यहाँ भी बहुत ज्यादा होने वाले हैं, यहाँ पर TSM के मेंबर, एंड देखते ही देखते यहाँ पर टीम लीड को 6th पोजीशन पे रवाना जरूर कर दिया जाएगा, एंड TSM विद 3 किल्स यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रही है, जोन के बिल्कुल एच पे खड़े हुए हैं, उनको पता है सामने की तरफ यहाँ पर काफी सारी टीम दिखाई दे रही है, जिसमें 5 टीम 13 प्लेयर्स हैं। वासी को फिलहाल यहाँ पर ग्रेनेड से डाउन जरूर कर दिया गया है, XDivine यहाँ पर अपनी टीम से इकलौते मेंबर मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ, वहीं दूसरी तरफ हेड हंटर से भी सिर्फ एक ही मेंबर यहाँ पर बचे हुए हैं, तो लेट्स सी यहाँ पर क्या होने वाला है। लेकिन गाइस क्या लगता है आपको, कौन सी टीम यहाँ पर बुरा निकालने वाले, क्योंकि अगर आप देखेंगे मैन एडवांटेज की बात करें मामा जी, तो LR7 एंड TSM एंड PVS ये ऐसी टीम है जिनके पास मैन प्लेयर्स हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे बाकी मेंबर्स एक एक किल के साथ लाइक एक एक प्लेयर्स के साथ दिखाई दे रहे हैं, सो लेट्स सी कौन सी टीम यहाँ पर बुरा निकाल पाएगी। लेकिन अगेन LR7 जोन के अंदर आने में सक्षम जरूर हो चुकी है, XDivine यहाँ पर एलिमिनेट होना पसंद करेंगे, एंड इसी के साथ साथ फिफ्थ पोजीशन पे टीम लॉबी के लिए रवाना हो जाएगी, लेकिन TSM PVS के साथ फिलहाल फाइट लेने के लिए तैयार है। जी हाँ बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे ग्लू वॉल ही है जो सेपरेट करिए दोनों टीम्स को, लेकिन पीछे से जोन धक्का देने वाला बहुत ज्यादा मुश्किल होगी हेड हंटर्स को, लेकिन वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे कौन जीतेगा ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है, आखिरी जोन, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, रोहित इन द मीन टाइम इज गोइंग टू गेट एलिमिनेटेड, दो टीमें बची है 4v2 की सिचुएशन, TSM मार एक्चुअली वॉक अवे, LR7 एलिमिनेट हो जाएगी, प्लेयर्स आई बिलीव जोन के बाहर चले गए थे ये विल यहाँ पे। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जोन से प्लेयर्स एलिमिनेट हुए हैं, जिसमें यहाँ पर TSM के पास मैन एडवांटेज का बखूबी फायदा हुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर TSM के 2 प्लेयर्स डाउन हो गए थे, 2 प्लेयर्स कहीं ना कहीं अपने आपको हिल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें से अगर मैंने देखा था आई थिंक यहाँ पर जैदे जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, ऊपर जाकर जो लास्ट प्लेयर बचा था उनको वाइप आउट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि बस देखिए नो डाउट यहाँ पता सामने वाले प्लेयर्स के पास कुछ ऐसी एबिलिटीज हो जिससे वो आराम से यहाँ पर हिल बैटल कर सके, बट स्टिल यहाँ पर अगर आप देखेंगे LR7 यहाँ पर कहीं ना कहीं बाजी अपने हाथ से
जरूर चूक गई है, लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि टीएसएम को यहाँ पर कितना ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि देखिए मैड एडवांटेज हमने बखूबी पहले बोला था कि यहाँ पर टीएसएम के पास फोरमैन स्क्वाड है, फोरमैन स्क्वाड जैसे वो लास्ट उनके अंदर गए, सामने की टीम के पास सिर्फ दो दो तीन तीन प्लेयर थे, उनको यहाँ पर सिर्फ रोकना था उनको जोन के अंदर आने से, एंड यस यहाँ पर जोन किसी के भी फेवर में नहीं गया, बहुत रेयरली देखा जाता है यहाँ पर स्पेशली हमारे बर्मुडा में जोन किसी के भी फेवर में नहीं जाता है, और यहाँ पर हिल बैटल देखने को मिलती है, और बखूबी यहाँ पर पहले मैच में ऐसा कुछ देखने को मिल गया, और अब दो बस पांच मैचेस और बचे हैं मामा जी। जी हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, देखिए यहाँ पे मेरे एक हल्का सा काउंट पॉइंट है, आई डोंट नो कि वो हील बैटल करना चाहते थे या फिर जोन के बाहर जानबूझ के गए, बिकॉज अगर उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस करना चूज किया इट्स वेरी वेरी स्मार्ट, बहुत ज्यादा स्मार्ट है ये चीज, इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। दो पॉइंट जो सामने वाली टीम को मिल सकते थे उन्होंने रियलाइज किया कि यहाँ पे बुआ निकालना मुश्किल होने वाला है, एंड दे वेंट आउट। आई एम जस्ट स्पेक्यूलेटिंग, मुझे नहीं पता है कि इफ दैट वाज द एग्जैक्ट रीजन किसकी वजह से उस जोन की वजह से एलिमिनेट हुए, लेकिन इफ दैट इज द रीजन इट्स वेरी वेरी स्मार्ट। जी बिल्कुल ये बात तो है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना पीवीएस और LS7 दोनों ही टीम ऊपर की तरफ थी, वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करते रह गए, और इवन दो टीएसएम हमारी नीचे थी अंडरग्राउंड थी, हम लोगों ने देखा ही था वो कहीं ना कहीं उनके पास, उनको पता था कि बॉस जोन इस एंगल में जाने वाला है, तो हम लोगों को या तो हिल बैटल करनी पड़ेगी या फिर हम लोगों को दो प्लेयर ऊपर की तरफ रवाना जरूर करने पड़ेंगे, एंड यस उनके दो प्लेयर ऊपर की तरफ गए भी, लेकिन अब को भी हम लोगों को वापस से ये सारा जो माहौल था हम लोगों को वापस से देखने को मिलेगा रिप्ले के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि वाकई में वहां पर उन्होंने हिल बैटल करने की कोशिश करी थी या फिर वो सिर्फ एक सिचुएशन क्रिएट ऐसी हो गई थी कि बस वहां पे उनको फटाफट या तो प्लेयर्स को वाइप आउट करना था, लेकिन जी हाँ ये वो फाइट थी जहां पर हम लोग स्टार्टिंग में बोल सकते हैं कि ऑरा स्पोर्ट्स ने बहुत ही आराम से हम कहेंगे कि टीम के ऊपर कब्जा करा, एंड इवन तो टीम के को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऑरा स्पोर्ट्स यहां पर होगी, क्योंकि जैसे यहां पर एक प्लेयर डाउन होते टीम के उसके बाद प्लेयर सतर्क होते हैं, लेकिन स्कैरी जो लास्ट में बचते हैं अपनी टीम से वो कोशिश स्टिल बरकरार रखते हैं। देखिए इंसेन को उन्होंने डाउन करा, एक प्लेयर जैसे ही डाउन हुआ और आई स्पोर्ट्स के जो प्रेशर बन सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अर्ली फाइट में आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते और इक्विपमेंट्स का ना होना कहीं ना कहीं उनकी उनकी टीम के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ। जी हां बिल्कुल सही कहा आपने, बट देखिए यहां पे 15 मिनट तक वी हैड 11 टीम्स अलाइव, ये आपको यूजुअली देखने नहीं मिलता, और मैंने कहा था कि देखिए फाइनल्स है, शुरुआत काफी ज्यादा स्लो होगी बिकॉज हमने देखा हिस्टोरिकली इट्स ऑलवेज बीन लाइक दिस, लेकिन ये जो फाइट है काफी ज्यादा इंटेंसिव है, मैं आखिरी फाइट देखना चाहता हूँ जहां पे आई बिलीव वाज टीएसएम जो बाकी थी एंड उनके सामने एक और टीम थी, एंड यार वो जो फाइट में प्लेयर्स बाहर चले गए इट वॉज इनक्रेडिबल टू वॉच, बट यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा उस चीज के लिए। फोर नोन की अगर हम बात करें दे रियली रियली ट्राइड यहाँ पे जिंदा रहने के लिए कि जितनी भी कोशिश कर सकते उन्होंने करी, लेकिन पीछे से जोन धक्का दे रहा था, आगे ग्लू वॉल सी, एंड ये आनंद यहाँ पे कोशिश करी उन्होंने दूर जाने की, कई बार प्लेयर्स कर पाते हैं ये चीज लेकिन इस बार नहीं कर पाए एंड वो एलिमिनेट हो गए। दिक्कत वहां पे फोर एंड वन पोजीशन नंबर 9 पे एलिमिनेट होती है, लेकिन टीम लीड का जो गेट कीपिंग था भाई साहब क्या ही कहना, क्या ही कहोगे आप। यार टीम लीड ने बहुत ही बेहतरीन गेटकीप किया, लेकिन उनको यहाँ पर बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पीछे से यहाँ पर टीएसएम आएगी और उनके लिए ही यहाँ पर गेटकीप कर दी जाएगी। देखिए यहाँ पर फिलहाल पहाड़ी को डाउन किया गया था ओल्ड मंक के द्वारा, एंड जैसे उनको डाउन करा किल यहाँ पर कंफर्म कर दी, किल जैसे कंफर्म करी उन्होंने देखा कि बॉस यहाँ पर टीम लीड के लिए गेटकीप होने वाला है, आइकॉनिक और किलर बचे थे, उनको पता था कि बॉस अगर हम फिनिश पे होते तो जाते जाते एटलीस्ट वो एक किल अपने साथ लेकर जाते, क्योंकि एक पॉइंट भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, एंड यस वहां पर उन्होंने वो एक किल भी उठाई प्लान की, और उसके बाद यहाँ पर 4v2 सिचुएशन हम लोगों को देखने को मिला जिसमें टीएसएम के पास यहाँ पर 3 किल हो गई थी। जब ये एंगल आया था जहां पर मामा जी बोल रहे थे पीवीएस यहां पर 4 किल के साथ ऑलरेडी बैठी हुई थी, ब्लॉक टावर में स्टार्टिंग से देखने को मिल रही थी, उसके बाद यहां पर LS7 और हमारे पीवीएस के बीच में फाइट हुआ, बहुत देर तक यहां पर कहीं ना कहीं फाइट यहां पर हम लोगों को देखने को मिली, इवन दो जोन यहां पर आ गया था, रोहित इकलौते प्लेयर बचे थे पहले, यहां पर रोहित एलिमिनेट होते हैं, उसके साथ साथ LS7 के मेंबर ऊपर की तरफ हिल अप करने की कोशिश भी कर रहे थे, हर एक मेंबर्स यहां पर अगर आप देखेंगे हिल बैटल ही कर रहे थे, लेकिन टीएसएम के दो मेंबर्स ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि बॉस अगर हिल बैटल में यहां पर अगर हमारे प्लेयर्स हिल नहीं कर पाते अपने आप को तो कहीं ना कहीं ये मैच हमारे यहाँ से चला जाएगा, और टीएसएम बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, और पहला ही मैच यहां पर बहुत ही आसानी से मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूं, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग से टीएसएम बहुत ज्यादा पैसिव गेम प्ले कर रही थी, जब वो उतरे थे जब पोचिनोक में वो लोग उतरे थे तो मैंने क्वेश्चन भी उठाया था कि बॉस नॉर्मली ये लोग यहां नहीं उतरते हैं, एंड यस वो उतरे, उन्होंने वहां पर लूट करी, देसी गेमर्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी, वापस से वो अपनी फेवरेट लोकेशंस पे गए फैक्ट्री एंड वहां पे मार्स इलेक्ट्रिक एंड जोन उनके फेवर में गया, क्लॉक टावर जस्ट उनके बगल में था, उनको थोड़ा सा यहां पर मूव करना था, वो क्लॉक टावर के बगल में जो हमारा हवेली होता है वहां गए, वहां से वो अंदर अंडरग्राउंड में घुसे, वहां पर टीम लीड को वाइप आउट करा, यानी बहुत ही बेहतरीन प्लेन जो एक तरीके से प्लानिंग जो की गई थी वो काफी इंटरेस्टिंग थी। लेकिन अब मामा जी हमारा प्रगति मैप आने वाला है, तो प्रगति मैप से क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि यार देखिए हमें भी पता है आपका फेवरेट मैप है एंड टीम्स के लिए प्रॉब्लम जरूर होती है, लेकिन आपकी फेवरेट है तो चले देखेंगे।